हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने पैन कार्ड को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने नया पैन कार्ड बनवाया है और आपका पैन कार्ड आपके घर पर नहीं आया है तो उसे आप आधार कार्ड की तरह ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, पैन कार्ड डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। एक तो पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं हम अपने पैन कार्ड नंबर से, यानी हमारा पैन कार्ड दोस्तों बन चुका है और हमारे पास पैन कार्ड का नंबर है, यानी हमारे पास पुराना पैन कार्ड है या उसकी फोटो कॉपी है, तो हम उस पैन कार्ड के नंबर से अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड नंबर से पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे ₹8 का चार्ज देना होगा। और यदि दोस्तों हमने नया पैन कार्ड बनवाया है और पैन कार्ड बने हुए हमें केवल अभी 30 दिन हुए हैं तो हम बिल्कुल फ्री में अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आपने खुद या किसी दुकान से पैन कार्ड अप्लाई कराया हो और आपका पैन कार्ड अभी आपके एड्रेस पर नहीं आया हो, तो बिल्कुल फ्री में आप अपने एक्नोलेजमेंट नंबर के द्वारा अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यदि आपने नया पैन कार्ड बनवाया है या उसमें कुछ अपडेट कराया है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपना पैन कार्ड बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड बने हुए 30 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको ₹8 का चार्ज देना होगा, तो ₹8 का चार्ज देकर यहाँ पर आप पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दोनों तरीके से पैन कार्ड डाउनलोड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्नोलेजमेंट नंबर के द्वारा फ्री में हमें पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर हम अपना एक्नोलेजमेंट नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का मंथ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ईयर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते दोस्तों हमारे पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपका पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको टर्म को एक्सेप्ट करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर हमारे पैन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो हम यहाँ पर अपने पैन कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है, मैंने ओटीपी डाल लिया। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करते दोस्तों हमारे सामने पैन कार्ड की पीडीएफ आ जाएगी। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हमें पहले वाले ऑप्शन में जाना है, डाउनलोड ई पैन कार्ड पीडीएफ, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें पैन कार्ड की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। जहां पर भी इसे डाउनलोड करना चाहते हो वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहां पर अपनी पीडीएफ को सेव कर लेता हूं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से एक पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड क्या होता है दोस्तों, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 5 जनवरी 2000 है, तो आपको यहाँ पर डालना है 0501200। इस तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों इस तरीके से आपको पैन कार्ड की पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर होगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जेंडर आ जाएगा, आपके फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा और एक क्यूआर कोड भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जब दोस्तों आप पीडीएफ में नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरा पैन कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसे दोस्तों आप कटिंग करके दोनों तरफ से मोड़ कर रख सकते हैं, लेमिनेशन करा के, और जहाँ भी इस पैन कार्ड को यूज करना चाहे, चाहे आपको अकाउंट खोलना हो या दोस्तों आपको लोन में लगाना हो, जहाँ भी यूज करना चाहे, जिस तरीके से हमारा ओरिजिनल पैन कार्ड कार्ड वाला होता है उसी तरीके से दोस्तों हम इस पैन कार्ड को कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम एक्नोलेजमेंट नंबर के द्वारा बिल्कुल फ्री में अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों का पैन कार्ड 1 महीने से ज्यादा बने हुए हो चुका है, वो अपने पैन कार्ड नंबर के द्वारा अपना पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर से पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मैंने जैसे बताया ₹8 का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ की ईयर डालनी है और यहाँ पर GST में इसमें कुछ नहीं डालना आपको, और यहाँ पे टर्म को एक्सेप्ट करना है, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी मंगाना है। दोस्तों, मैं ये बात भी आपको बता देता हूँ, एक्नोलेजमेंट नंबर से और पैन कार्ड नंबर से पैन कार्ड डाउनलोड करने का बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। केवल यहाँ पर आपको ₹8 फीस जमा करनी पड़ती है और वहाँ पर आपको फ्री में डाउनलोड होता है। तो यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, हमारे नंबर पर ओटीपी आ चुका है, मैंने ओटीपी डाल लिया है। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है, किस तरीके से यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और देखने के लिए मिल जाती है कि यदि आप अपने पैन कार्ड को कार्ड में दोबारा से मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ₹50 का पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ₹50 पे करके आप अपने कार्ड को दोबारा से अपने घर पर मंगवा सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ₹8 का चार्ज देना पड़ेगा। हमें केवल यहाँ पर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर इसको टर्म को एक्सेप्ट करता हूँ और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। यदि आप अपने पैन कार्ड को दोबारा से कार्ड में मंगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो वीडियो देखकर दोस्तों आप अपने पैन कार्ड को कार्ड में अपने घर पर मंगवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी ट्रांजेक्शन आईडी आ चुकी है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है।
पे कंफर्म पे क्लिक करने बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड आ जाता है कि आप पेटीएम से, नेट बैंकिंग से किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या किसी भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कार्ड पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल डाल के ₹8 पे कर लेता हूँ। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको पेमेंट स्लिप भी मिल जाएगी और दोबारा से आपको पीडीएफ इस तरीके से मिल जाएगी। जैसे हमने अभी एक्नोलिजमेंट नंबर से पीडीएफ डाउनलोड किया है, उसी तरीके से यहाँ पे हमें पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें जाना है डाउनलोड ई पैन कार्ड पीडीएफ, इस पे क्लिक करके हमें अपनी पीडीएफ को सेव कर लेना है। फिर दोबारा से पीडीएफ ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो डेट ऑफ बर्थ डाल के हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते दोस्तों फिर दोबारा से आपको पीडीएफ इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। यदि दोस्तों आपके पैन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो आप अपने पैन कार्ड की पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्नोलिजमेंट नंबर के द्वारा और अपने पैन कार्ड नंबर के द्वारा दोनों ही तरीके से अपने पैन कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।